हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वन वर्ड का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का हमारा वन वर्ड का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने मुझे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो नहीं किया है तो जाइए और मुझे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो करिए। और वहाँ पर फॉलो करने का फायदा ये होगा, आप मेरी स्पेशल क्लासेस देख पाएंगे। ये स्पेशल क्लासेस जो होती है ये पूरी तरीके से फ्री होती है। इन फ्री स्पेशल क्लासेस के थ्रू आप बहुत कुछ नया सीख पाएंगे दोस्तों। तो जाइए और मुझे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो करिए, राइट। चलो तो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले वर्ड की तरफ। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है इस्थमस, और इसका मतलब क्या होता है, एक नैरो स्ट्रेच हो गया, ठीक है। मतलब वो भूमि, वो लैंड, नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडी ऑफ लैंड, ठीक है। तो एक लैंड का एक ऐसा लंबा या स्ट्रेच टाइप का जो एरिया जो कि दो बड़ी बड़ी लार्ज बॉडी ऑफ लैंड को कनेक्ट करता है, वो आपके क्या कहलाता है, वो आपके इस्थमस कहलाता है। जैसे कि मान लो ये ओशन है, राइट, बहुत बड़ा सारा ओशन है, और या फिर ये मान लेते हैं हम ये रिवर है ना, बहुत बड़ी आपके रिवर है, ठीक है। और इस रिवर के बीच में, ये रिवर के बीच में ये देखो ये एरिया निकल रहा है ना, कुछ एरिया ऐसा निकल रहा है इस तरीके से, मान लो ये एरिया निकल रहा है। तो छोटी सी ये बना हुआ है, ये आपके घूम घाम के इस तरीके से निकलता है ना, कि ये कुछ इस तरीके से निकल रहा है, ये लैंड आपकी कुछ इस तरीके से निकल रही है कि ये बहुत बड़े दो एरिया को जो है आपस में कनेक्ट कर रही है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, आपके ये आपके इस्थमस कहलाती है ना। अच्छा वर्ड है, काफी प्यारा वर्ड है ये इस्थमस, ठीक है। बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे वर्ड की तरफ जो है आपके सामने फेस्फोलॉजी, और ये चुनाव का विश्लेषण होता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस जो है वो आपके फेस्फोलॉजी कहलाता है। तो इलेक्शंस का जो ट्रेंड जो है वो आपके उसकी स्टडी करना, कैसे उसका पहले से आकलन करना, तो ये जो चुनाव का विश्लेषण होता है आपके फेस्फोलॉजी कहलाता है। और आजकल टीवी न्यूज चैनल्स पे आपको फेस्फोलॉजी के लाइव एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, एग्जिट पोल वगैरह, ये सब आपके फेस्फोलॉजी के ही एग्जांपल्स होते हैं सब आपके ना। तीसरा वर्ड है हमारा सेड्यूलस, और जिसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट। तो जो मेहनती बंदा होता है, हार्ड वर्क बंदा होता है, उसे हम बेसिकली आपके क्या बोलते हैं, सेड्यूलस बोलते हैं आपके ना। यहाँ पे इमेज देखो, ये बच्चे को देखो, ये कैसा बच्चा है आपके, सेड्यूलस बच्चा है ना, बड़ा परिश्रमी बच्चा है ना। हाँ जी, सेड्यूलस बच्चा, देखो कितनी मेहनत कर रहा है ना, सेड्यूलस बच्चा। ओएसएस होता है आपके नखलिस्तान, तो शायद इतना अच्छा हिंदी अनुवाद नहीं है, ये होता आपके मरुद्धान, ठीक है। मरुद्धान से मेरा मतलब होता है एन एरिया इन द डेजर्ट वेयर देयर इज वाटर एंड वेयर प्लांट्स ग्रो। एन एरिया इन द डेजर्ट वेयर देयर इज वाटर एंड वेयर प्लांट्स ग्रो, कि ऐसा एरिया डेजर्ट के अंदर, ऐसा एरिया जहाँ पे वाटर होता है और जहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं, वो आपके क्या कहलाता है, आपके ओएसिस कहलाता है ना। आपके क्या कहलाता है, ओएसिस कहलाता है। जहाँ पे वाटर होता है और जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो आपके क्या कहलाता है, ओएसिस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है हेलुसिनेजन, जिसका मतलब होता है ड्रग विच मेक्स वन सी थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर। तो हेलुसिनेशन आपके वो ड्रग होता है जो आपको वो चीज़ें दिखाता है जो कि असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो वो सब चीजें जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो अगर आप लोगों को नजर आए तो वो आपके क्या कहलाती है, हेलुसिनेशन कहलाती है दोस्तों, है ना, हेलुसिनेशन कहलाती है। हाँ जी, तो बढ़ते हैं आपके आज के हमारे मैच द कॉलम की तरफ। तो पहला फिलर वाला सेंटेंस आप लोगों के सामने है, द वेनम ऑफ मेनी स्नेक्स स्पेशली कोबराज एक्ट्स एज अ हेलुसिनेशन प्रोड्यूसिंग एकेस्थेटिक विजन, है ना। तो जैसे कि बहुत सारे स्नैक्स होते हैं, उनमें से आपके जो कोबरा होता है ना, उसका जहर जो होता है वो हेलुसिनेशन क्रिएट करता है। दूसरा आप लोगों के सामने है, द इंट्रोडक्शन ऑफ डैश एनकरेज द ग्रोथ ऑफ ओपिनियन पोल्स एज अ गाइड ऑफ वोटिंग ट्रेंड्स। तो दूसरे में आपके फेस्फोलॉजी आएगा, है ना। तीसरा जो है मच, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग ट्रेंड्स के बारे में बात हो रही है तो फेस्फोलॉजी आएगा ना। मच ऑफ उज्बेकिस्तान लैंडस्केप कंसिस्ट ऑफ डेजर्ट्स, ड्राई स्टेप्स, फर्टाइल ओएसिस ही होगा, पानी से भरपूर मरुद्धान तो फर्टाइल ओएसिस ही कहलाएगा। द नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द आइलैंड्स आर लिंक्ड बाय अ नैरो इस्थमस, तो इसमें आपके इस्थमस आ जाएगा, ठीक है।
तीसरा आपके हो गया ओएसिस, चौथा हो गया आपके एस्थमस, और लास्ट सेंटेंस है द यंग वुमन वॉज सो सेड्यूलस दैट शी रिसीव्ड अ कमेंडेशन फॉर हर हार्ड वर्क। कि जो नई जो यंग वुमन थी वो इतनी ज्यादा हार्ड वर्किंग थी कि उसे अपनी मेहनत के लिए क्या मिला, कमेंडेशन मिला, तारीफ मिली, अप्रिसिएशन मिला। तो आज की हमारी पहली ईडियम है पाम ऑफ, और इस पाम ऑफ का मतलब होता है टू अटेम्प्ट टू सेल अ प्रोडक्ट अंडर अनादर्स ट्रेडमार्क और ट्रेड नेम। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ऐसा किसी टू अटेम्प्ट टू सेल अंडर अनादर्स ट्रेडमार्क और ट्रेड नेम, है ना, तो दूसरे के ट्रेडमार्क पे या दूसरे के ट्रेड नेम पे जो है सेल करने का जो अटेम्प्ट होता है वो आपके पाम ऑफ कहलाता है ना। द सेल्समैन ट्राइड टू पाम ऑफ, सेल्समैन ट्राइड टू पाम ऑफ अ जिरकॉन एज अ डायमंड, है ना, कि एक जिरकॉन को डायमंड के रूप में बेचने का, पाम ऑफ करने का काम आपके किसने किया, आपके सेल्समैन ने किया। नेक्स्ट आप लोगों के सामने फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न का मतलब होता है फ्रॉम वन एंड ऑफ समथिंग टू द अदर। इट वॉज अ स्मॉल बोट लेस देन 30 फीट फ्रॉम स्टेप टू स्टर्न, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। एक छोटी सी बोट थी, ये कैसी बोट थी, एक छोटी सी बोट थी, लेस देन 30 फीट मतलब 30 फीट से भी कम की थी, फ्रॉम स्टेम टू स्टेम स्टर्न, है ना, ये यहाँ पे वो कहना चाह रहा है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है आपके सामने है ओवर एग दी पुडिंग, ये आपकी तीसरी आइटम है जिसका मतलब होता है एड अननेसेसरी डिटेल्स टू मेक समथिंग सीम बेटर और वर्स, है ना, तो फालतू की चीजें ऐड करना ताकि किसी चीज को बेटर दिखाया जाए या उसे बुरी दिखाया जाए, है ना, हम फालतू की बातें ऐड करते हैं ना, ठीक है। तो देखो एग्जांपल सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करो। एज अ डायरेक्टर आई थिंक ही हैज अ टेंडेंसी टू ओवर एग द पुडिंग विद अ फ्यू टू मेनी गॉर्जियस शॉट्स ऑफ द कंट्री साइड, है ना, कि मतलब एज अ डायरेक्टर आई थिंक वो क्या उसको थोड़ी सा आदत है बड़ा चढ़ा करके बताने की, है ना, मतलब थोड़ा सा चीजों को एग्जेजरेट करके बताने की आदत है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा, ठीक है। चलो टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है स्टार्ट टू एक्ट और बिहेव इन अ बेटर और मोर रेस्पॉन्सिबल वे, है ना, तो थोड़ा सा आप जब एक्ट करना या बिहेव करना शुरू कर दो बेटर और रेस्पॉन्सिबल वे में तो वो आपके क्या कहलाता है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखो, शी प्रोमिसेस टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ वी गिव हर वन मोर चांस, तो अगर हम उसको एक और चांस देंगे तो शी कैन टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब वो बेसिकली आपके शी कैन एक्ट और बिहेव इन अ बेटर और मोर रेस्पॉन्सिबल वे, वो बेटर और मोर रेस्पॉन्सिबल वे में काम कर सकती है। तो दोस्तों आप लोगों के सामने नेक्स्ट इडियम है टेक अप द हैचेट, जिसका मतलब होता है प्रिपेयर फॉर और गो टू वॉर, ठीक है, तो वॉर के लिए तैयार होना, प्रिपेयर होना आपके टेक अप द हैचेट कहलाता है। द फ्यूड हैज लास्टेड फॉर सो लॉन्ग दैट नाइदर फैमिली रिमेंबर्स वाई दे टुक अप द हैचेट अगेंस्ट द अदर, कि जो फ्यूड था ना उतने लंबे समय से लास्ट कर रहा था कि कोई भी फैमिली मेंबर्स जो है नाइदर फैमिली रिमेंबर्स, कि कोई भी फैमिली ये याद नहीं रखता कि कब उन्होंने दे टुक अप द हैचेट अगेंस्ट अदर, है ना, एक दूसरे के खिलाफ जो है उन्होंने वॉर कब स्टार्ट करी है उनको याद भी नहीं था सब आपके, ना, तो ये आपके पांच आपके इडियम है टेक अप द हैचेट, प्रिपेयर और फोर और गो टू वॉर, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, बेटर और मोर रेस्पॉन्सिबल में एक्ट करना, ओवर एक्ट द पुटिंग एग्जेजरेट करना चीजों को, ठीक है, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, फ्रॉम वन एंड ऑफ समथिंग टू द अदर, एक तरफ से दूसरी तरफ का जो पूरा एरिया होता है वो आपके फ्रॉम स्टेम टू स्टेम स्टर्न कहलाता है, और पाम अप का मतलब होता है टू अटेम्प्ट टू सेल अ प्रोडक्ट अंडर अनदर ट्रेडमार्क और ट्रेड, मतलब किसी को फर्जी फेक चीजें पकड़ाने की कोशिश करना, ठीक है, आपके पाम ऑफ कहलाता है, ठीक है। चलो भाई मैच करो, तो पाम ऑफ हो गया आपके टू अटेम्प्ट टू सेल अ प्रोडक्ट अंडर अंडर अनदर्स नेम, ये आपके पाम ऑफ हो गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों के सामने है फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, इसका मतलब हो गया फ्रॉम वन एंड ऑफ समथिंग टू द अदर, ये आपके स्टेम टू स्टर्न हो गया। ओवर एग द पुडिंग का मतलब हो गया सब आपके प्रिपेयर ओवर एड अननेसेसरी डिटेल टू मेक समथिंग सीम बेटर और वर्स, ठीक है, और टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब हो गया सब आपके स्टार्ट टू एक्ट और बिहेव इन अ बेटर और मोर रेस्पॉन्सिबल वे, एंड लास्ट आप लोगों के सामने टेक अप द हेडसेट, प्रिपेयर टू गो, प्रिपेयर फॉर और गो टू वॉर, है ना। सो गाइज ये हमारे आज के वन वर्ड और इडियम्स थे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे रेफरल कोड का प्रयोग करके अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में, तो
तो यू कैन टेक इट। आप एसएससी, बैंकिंग और सीडीएस किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोस्तों, है ना। आप एसएससी का भी ले सकते हैं, बैंकिंग का भी ले सकते हैं और सीडीएस का भी ले सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी होगी एसएससी एग्जाम, उसके बाद में आप लोगों को गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को अपना साल भर का प्लान चूज करना है, रेफरल कोड लगाना है हर्ष11, अप्लाई पे क्लिक करना है। आप लोगों को इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद में आप लोग क्या कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।